तो गुरु लोग टीवी है हमारा और डेडपूल दोनों का काट रहा है, जहां भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि टीवी डेडपूल को रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन असल में जितने भी कैरेक्टर्स हमें डेडपूल के भाई बर्थडे पार्टी में देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली में डेडपूल के कैनन इवेंट्स में मारे जा चुके हैं, जैसे कि वेनेसा, पीटर एंड शटरस्टार, जहां पे भाई डेडपूल 2 में ना सिर्फ उसने ग्रीन लैंटर्न और एक्समैन ओरिजिन वाली हुई ट्रेजेडीज को होने से रोका था, पर उसे इन सब को बचाकर भाई कई सारी नई ब्रांच टाइमलाइंस भी क्रिएट कर दी थी, जिसपे से लोकी सीजन 2 के बाद भाई टीवी भाई लोगों को प्रून करना नहीं बल्कि भाई अपने कैंग वाली प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वो अलग से उस पे प्रायोरिटी दे रहा है, एंड इसीलिए इतने ज्यादा चेंजेस होने के बाद भी वो डेडपूल को प्रून नहीं किया, पर अब वो उसका यूज करेंगे वुल्वरीन और बाकी सारे म्यूटेंट्स को रिक्रूट करने में अपने ग्लोरियस एमसीयू के लिए, ताकि वो कैंग से लड़ने के लिए और आगे चल के सीक्रेट वॉर्स में लड़ने के लिए अपना भाई संगठन बना सके, जहां फिर इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए बीच में एक ऐसा कोई कांड होगा अपनी फैमिली, प्यार या फिर किसी और के लिए जिससे डेडपूल अग्री नहीं करेगा, जिसे बचाते बचाते वो और भी ज्यादा रोग होकर टाइमलाइंस को जंप करेगा और भी कितने ज्यादा फकअप्स क्रिएट करेगा पूरी यूनिवर्स के लिए, जिसकी वजह से टीवी को उसे फाइनली प्रून करके वॉइड में भेजना होगा, जो कि भाई वो नहीं कर रही थी, एंड उसके बाद जाके हमें सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक का डायरेक्टली हिंट हमें वॉइड में देखने को मिल ही जाता है, जो कि आके कनेक्ट होगा अपने एमसीयू के सबसे बड़े विलन के लिए, जो कि होंगे डॉक्टर डूम।